आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। नूडल से ही बना डाला इस शख्स ने अपने बच्चे के लिए घर, अभी लोगों से मिल रही है काफी ज्यादा प्रशंसा। तो चलिए जानते हैं ये कहाँ का मामला है और किस तरीके से इस शख्स ने नूडल से घर बनाया है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने विचार हमें जरूर बताइए कि अगर नूडल से घर बना है तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करती हूँ आज की न्यूज। सो गाइज, आपने कभी ना कभी तो नूडल खाए ही होंगे और नूडल तो सब लोग पसंद करते हैं। अलग अलग तरीके के नूडल्स होते हैं और वेज नूडल होते हैं, नॉन वेज नूडल होते हैं और सिजुआन होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नूडल्स मिलते हैं और अगर हम लोग चीन जापान ये यहाँ की बात करें तो वहाँ पर तो नूडल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और वहाँ पर हमेशा ही नूडल खाना पसंद किया जाता है और मैदे से बनी हुई चीज़ें वो लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और उसी तरीके से आप अगर कोई भी फूड अगर खाते तो उसका खराब होना भी काफ़ी ज्यादा बनता है, एक्सपायरी होना काफी ज्यादा बनता है। तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो अगर नूडल की अगर हम बात करें तो नूडल जब ठीक होते हैं और हम लोग खा लेते हैं काफी ज्यादा हमें अच्छा लगता है, पर उसी जगह पर अगर वो खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। पर एक शख्स ने ऐसा नहीं किया, उसने जो नूडल एक्सपायर हुए हुए थे उन नूडल को लेके उसने कम से कम अपने आने वाले बच्चे के लिए एक प्ले होम बना दिया और प्ले होम बनाने के बाद उसने खुद फोटोज खींच के सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसके चलते हुए काफी सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कहां पर लोग इन सब चीजों को फूड को फेंकना चाहते हैं और वहां पर इस शख्स ने काफी ज्यादा अलग चीज कर दी है। इस शख्स का नाम है जांग और जांग ने ये चीज बताई कि उसका एक फ्रेंड है जो कि एक्चुअली नूडल्स को सप्लाई करता है मार्केट में और उसके पास कभी ना कभी एक्सपायरी नूडल्स पैकेट पड़े रहते हैं। तो उसके पास कम से कम 2000 एक्सपायरी नूडल पैकेट्स पड़े थे तो वो फेंकना चाहता था नूडल पैकेट्स को। तो मैंने उसको बोला कि मुझे वो नूडल पैकेट्स दे दो तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इसी दौरान उसके फ्रेंड ने उसको 2000 नूडल पैकेट्स दे दी और उसके बाद उसने सोचा कि आने वाले बच्चे के लिए ये कुछ ना कुछ अलग किया जाए। तो उसी दौरान उसने नूडल पैकेट्स में नूडल्स निकाले और एक घर बना लिया और घर बनाने के साथ साथ उसने एक्चुअली उस घर को बनाया और साथ में एक बेड भी डाला, जिस बेड के ऊपर एक्चुअली अगर आप भी सोए तो वो बेड टूटेगा नहीं। और उसके साथ अंदर उसने काफी सारी पेंटिंग्स भी लगाई और इस घर में एक विंडो भी है जो कि बच्चे अगर देखेंगे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसी दौरान एक्चुअली बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस फोटो को देख के काफी ज्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसी जगह पर दूसरे लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि बच्चा आने वाला है और कुछ टाइम में वो बड़ा होगा तो इस प्ले होम में वो खेलेगा और खेलते वक्त अगर गलती से भी उसने नूडल कुछ भी लेके अगर मुंह में डाल लिया तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है और अगर वो एक्सपायरी नूडल्स है तो उनमें इंसेक्ट्स भी काफी ज्यादा आ सकते हैं, चींटियां लग सकती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके चलते हुए जो चाइल्ड रहता है, जो बच्चा रहता है, उसकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है और वो खुद काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है क्योंकि वो दुनिया में नया नया आया है और उसको दुनिया में सेटल होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और उसी के चलते हुए लोगों को और बच्चों को एक्चुअली सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, प्ले होम, और प्ले होम में ही वो ज्यादा अपना समय बिताते हैं। और अगर वो इस एक्सपायरी नूडल के बीच में काफी ज्यादा समय बिताएगा तो उसकी तबीयत कैसी रहेगी, तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो गाइस यहां पर आप ही बताइए, एक पिता ने अपना प्यार तो दिखाया है पर उसने प्यार कुछ अलग तरीके से दिखा दिया है, जहां पर कुछ लोग इस चीज को काफी ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है, देखने के लिए अच्छा लगता है। पर उसके बीच में बच्चा रखना काफी ज्यादा अच्छी बात है क्या, जो लोग बोल रहे हैं कि इंसेक्ट्स आ जाते हैं, चींटियां आ जाती हैं, अगर बच्चा वो एक्सपायरी नूडल खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप क्या बोलते हैं इसके ऊपर, क्या ये सब चीजें सही होती है, क्या उसको ये जो घर बनाया उसको तोड़ देना चाहिए, अपने बच्चे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज।